नमस्कार, AKS यूनिवर्सिटी सतना खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। AKS विश्वविद्यालय के सभागार में रावे के विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 19 और 20 जून को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान AKS विश्वविद्यालय के BSc एग्रीकल्चर सातवें सेमेस्टर के छात्रों को ये बताया गया कि ICAR की गाइडलाइन के मुताबिक किस तरह से छात्रों को गाँव में जाना है, खेती की नई तकनीकों को किसानों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ साथ जो खेती पहले से हो रही है उसके बारे में भी जानकारी लेना है। रावे का ये कार्यक्रम पूर्णतः 3 महीने चलेगा और ये विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा प्रैक्टिकल पहलू होगा जिससे वो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की कई बुनियादी जानकारियाँ हासिल करेंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए क्या कहा। तो ये ध्यान रखना, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली देखना है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। किसी को ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो और एक को मतलब एक्सटेंशन पकड़े रहो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो, इकोनॉमिक्स पकड़े रहो, हॉर्टिकल्चर छोड़ दो। हमको सारे सब्जेक्ट एक बराबर से उसके काम करने हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन में 2 सब्जेक्ट है, पहला है एग्रोनॉमी और दूसरा है हॉर्टिकल्चर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है जो हमने फेस की है, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे या तो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, मतलब बहुत कम ऐसे फार्मर आपको मिलेंगे जिनके यहाँ पे दोनों चीजें होती है, मतलब वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी लेते हैं यानी वेजिटेबल भी उगाते हैं, एग्रोनॉमी का काम भी करते हैं और उनके यहाँ बगीचा भी गार्डनिंग भी है। तो ऐसे फार्मर कम है, तो हो सकता है आपके फार्मर के पास में हॉर्टिकल्चर क्रॉप ना मिले, क्योंकि ये देख के तो दिया नहीं जाता फार्मर का, एक एक फार्मर को इस तरह से चुनना तो पॉसिबल नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट को खाली छोड़ दे। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप रहना चाहते विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अपडेट तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।